तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने वनडे इंटरनेशनल की नई रैंकिंग जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आईसीसी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई वनडे सीरीज के बाद खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों की फहरिस्त में भारत के विराट कोहली का पहला नंबर बरकरार है, जबकि भारत ही के रोहित शर्मा दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन इनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। ओपनर इमामुल हक 11वें और फखर जमान 15वें नंबर पर मौजूद हैं। बाउलर्स की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की इजारादारी बरकरार है और भारत के जसप्रीत बुमराह दूसरे, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर हैं और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स 7वें से 4थे नंबर पर आ गए हैं। जनूबी अफ्रीका की गागिसुर अबादा 5वें, ऑस्ट्रेलिया पेटकम्स 6ठे, पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर एक दर्जा तंजीले के बाद 7वें, ऑस्ट्रेलिया के जूस हेजलवुड 8वें, न्यूजीलैंड के मेट हेनरी 9वें और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर 10वें नंबर पर हैं। ऑलराउंडर की रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर है और इंग्लैंड के क्रिस वुक्स दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान के इमाद वसीम बदस्तूर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 4थे, न्यूजीलैंड के कोलिन डी ग्रैंडहोम 5वें, अफगानिस्तान के राशिद खान 6ठे, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटन 7वें, भारत के रविंद्र जडेजा 8वें, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 9वें और जिम्बाब्वे ही के सीन विलियम्स 10वें नंबर पर मौजूद हैं। तो भैया, ये थी आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग के हवाले से कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। शुक्रिया।